देहरादून में प्राउड पहाड़ी संस्था की ओर से ड्यूलोथॉन नाम से साइकिलिंग और मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका मकसद बढ़ते पलायन के प्रति जागरूकता फैलाना था। 300 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सेदारी करके पलायन के प्रति अपने संदेश को शहर के लोगों तक पहुंचाया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी में इस मैराथन के लिए जोश दिखा। जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे पहाड़ खाली हो रहे हैं, हमारे जो नदी है वो खाली हो रही है, गांव खाली हो रहे हैं, तो हमने युवाओं को लेकर एक जागरूकता अभियान, जागरूकता रैली की, साइकिलिंग और जो मैराथन के माध्यम से कि युवा जागे, कनेक्टिविटी फील करें, अपने पहाड़ से जुड़ा हुआ महसूस करें। ग्रीनरी को हम सपोर्ट करते हैं और प्रमोट भी करना चाहिए हमें उसे। मैं चाहता हूँ कि लोग जो है पहाड़ों की तरफ आएँ और वहाँ पे बहुत काफ़ी स्कोप है अपने काम करने के लिए, खासकर एडवेंचर में। पहाड़ पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है, आप ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और ये साइकिलिंग और अच्छे अच्छे मंदिर हैं वहाँ पे, लोग अपना उस साइड में अपना कुछ रोज़गार खोलें। तो मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपने लोग जो हैं उस तरफ काम करें। ये प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा लगा मुझे आने के बाद, और सर ये जो कल्चर है ये ऐसे बना रहे, बहुत अच्छा लगता है ये सभी देखते हुए। ड्यूलोथॉन पवेलियन ग्राउंड से शुरू होकर 7 किलोमीटर के रास्ते में प्रतिभागियों ने शहर के प्रमुख रास्तों तक संदेश पहुंचाया। प्राउड पहाड़ी संस्था पिछले एक साल से पहाड़ों में बढ़ते पलायन के प्रति जागरूकता और समाधान के लिए कार्य कर रही है। संस्था के संस्थापक गणेश धामी ने भी युवाओं से उनकी इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है और कहा कि जन्मभूमि के प्रति हम सभी की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें अब निभाने का वक्त है। बड़ा सौभाग्य कि हमें इस आयोजन में आमंत्रित किया गया और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और जो पलायन है, जो उत्तराखंड के जो 9 जिले हैं जो आज बहुत दयनीय स्थिति में, जिसमें सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, और इसमें अब युवाओं को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई भी परिवर्तन हुआ है देश में या कोई भी कुछ एजिटेशन हुआ है, कुछ भी एक नई मुहिम लागू किया है, तो युवाओं ने ही किया है। तो बड़ी शुभकामनाएं युवाओं को, क्योंकि युवा ही आगे इस उत्तराखंड को, जो 9 जिले हैं जो पलायन को है उसको रोकेंगे, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ, हमारा पूरा समर्थन के साथ रहेगा। मैं खुद पहाड़ी हूँ, मैं कुमाऊं को बिलोंग करती हूँ, और पहाड़ के बारे में ये बोलना है कि हमारा उत्तराखंड जो है बहुत खूबसूरत स्टेट है, तो पहाड़ियों को मींस यहाँ डेवलप करने से ज़्यादा वहाँ डेवलप करना चाहिए, ऊपर पहाड़ में। हम लोग जैसे बाइक्स वगैरह वो उसका यूज़ कम कर सकते हैं, और हम साइकिलिंग यूज़ कर सकते हैं, मतलब साइकिल ले जा सकते हैं, और हम जो मतलब कचरा फेंकते हैं यहाँ वहाँ वो नहीं फेंक सकते, मतलब हमें एक अपने डस्टबिन में ही रखना चाहिए, बस ये सब कर सकते हैं ताकि पहाड़ खूबसूरत रहे जैसा है। मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता रघुवीर बिष्ट ने भी इस संस्था के प्रयास की सराहना की और आने वाले वक्त में इस तरह के प्रयासों के लिए आगे आने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने पहाड़ों पर बढ़ते पलायन पर भी चिंता जताई। ये जो मैराथन और साइकिलिंग रैली आयोजित की गई है, ये यहाँ के युवाओं ने अपनी माटी से, अपने पहाड़ से, अपने नदियों से, अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे युवा भी अपने पहाड़ के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी माटी के प्रति बहुत संवेदनशील हो रहे हैं, और ये हमारे पहाड़ के लिए शुभ संकेत भी है कि यहाँ का जो युवा वर्ग है वो अपनी माटी से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। 3500 गांव खाली हो चुके हैं, इतना लोग गांव से छोड़ के आके यहाँ रखें, इसका एक ही मकसद यही है कि हम जितने युवा वर्ग हैं वो इस तरह के चीज़ों को लोगों तक जागृत करें और अपने गांव की ओर, मतलब इन चीज़ों को लेकर जाएं कि भैया रिवर्स प्लान की ओर हम लोग जाएँ। और ये जो आज का कार्यक्रम है इसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहाड़ आजकल खाली होते जा रहे हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें शहरों में बसने के लिए आना पड़े। यहाँ हमारा उत्तराखंड का कल्चर जो है वो लूज़ होता जा रहा है यहाँ से, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यूथ को पता चले कि पहाड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है उत्तराखंड के लिए। रिवर्स माइग्रेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू टुडे। इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग दैट पीपल आर लीविंग देयर विलेजेस एंड कमिंग टू new cities. This is because only of the lack of converting of natural resources into the resources that we need today, that there are not proper schools in the villages and many other the city life is always attracting the villagers, so we should develop villages and only that thing can stop the migration. बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लोगों को अवेयर होता है, अवेयरनेस के लिए अच्छा है। सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज पार्टिसिपेशन इज गुड फॉर एवरीवन। संवाद 365 के लिए देहरादून से श्रवण सेमवाल की रिपोर्ट।